हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि सेल्स वाउचर में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। और ये सवाल पूछा है हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा है, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो। पहले मैं परचेज वाउचर का वीडियो बना चुका हूं, तो ज़रूरी है कि आप परचेज वाउचर का वीडियो पहले देखें, तभी आपको सेल्स वाउचर वाली वीडियो समझ में आएगी। सो कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पे जाके और टैली ERP9 प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं आप टैली ERP9 में। अब यहां पर हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, यहां पर हमें जाना है सीधे अकाउंटिंग वाउचर में। एंटर प्रेस करूंगा मैं और यहां सेल्स वाउचर आ रहा है। यहां पर कोई रेफरेंस नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। और यहां पर आप कैश भी रख सकते हैं, लेकिन हमने डेटर और क्रेडिटर पार्टीज के लेजर बना रखे हैं, तो हम यहां पर डेटर पार्टी का लेजर इंसर्ट करा देंगे। और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए पहले हम बात करेंगे यहां पर IGST की, ठीक है। फिर मैं CGST और SGST की भी बात करूंगा। तो यहां पर स्टेट अलग रखूंगा मैं, ठीक है। स्टेट अलग रखने का मतलब यह है कि डेटर पार्टी कहीं और की, क्रेडिटर पार्टी कहीं और की, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं नागपुर, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। एम प्रेस करते ही इधर साइड में महाराष्ट्र आ रहा है, आपको महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस करना है और एक्सेप्ट करा लेना है। सेल्स का लेजर पहले से बना हुआ है, तो सेल्स अकाउंट कर देंगे हम यहाँ पे। कीबोर्ड नाम का स्टॉक आइटम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो अभी सपोज कीजिए कि 20 कीबोर्ड के आइटम्स हम 200 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए ये यहाँ पे आ गया। अब आइटम खरीद रहे हैं डेस्कटॉप के, ठीक है। तो 70 आइटम हमने खरीदा, तो 70 आइटम के हिसाब से 30000 का एक आइटम, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल होकर आ गया। तो आइए अब यहाँ पे IGST लगाते हैं और देखते हैं ये कैलकुलेट होता है। बना रखा है तो अब यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, तो उसके हिसाब से IGST कैलकुलेट होकर आ गया। इंटरफेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हुई है 1 अप्रैल 2019 को, इसको हमने एक्सेप्ट कराया। अब दूसरा हम इसी पे बना रहे हैं जिसपे हम CGST और SGST, सॉरी। अब यहां पर क्या करना है आपको, वही सूरज डेटर सेलेक्ट करना है और यहां पर हम सेम स्टेट रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है। और यहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट हमारा सेलेक्ट रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे। और यहां पर अब कीबोर्ड्स के आइटम को हमको लेना है, तो सपोज कीजिए कि 50 कीबोर्ड के आइटम हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका 10,000। और अब डेस्कटॉप की बात करते हैं, तो यहां डेस्कटॉप, सॉरी, डी प्रेस करेंगे और यहां डेस्कटॉप आ गया। यहां से एंटर करेंगे तो ये डेस्कटॉप आ गया, और डेस्कटॉप के 10 आइटम सपोज कीजिए, ठीक है। तो यहां पे डेस्कटॉप के सपोज कीजिए हम 10 आइटम बेच रहे हैं, तो यहां पे 30,000 रुपए के हिसाब से डेस्कटॉप की टोटल वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पे हमको लगाना है CGST SGST। सेम स्टेट का मामला है, CGST लगाया हमने। अदर स्टेट का मामला होता तो हम IGST लगाते, हमने IGST भी दिखा दिया है आपको। अब SGST लगाएंगे, CGST SGST लगा दिया हमने, और जितना IGST आया उतना ही CGST और SGST, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि एंट्री आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं डिस्प्ले में और यहां देख लेते हैं कि हमने किस किस प्रकार से ये आइटम्स की एंट्री करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे IGST जो लगाया था हमने, उसका प्रिंट मैं निकाल करके आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं जो जो आइटम्स हमने लिए थे वो IGST के साथ कैलकुलेट होकर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप IGST ये निकला हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अब तो सबसे पहले चलते हैं टैली ERP9 में और यहां से बाहर आ जाते हैं। अब हमको डिस्प्ले में जाकर के CGST वाले आइटम्स की खोज खबर लेनी है, तो आइए एंटर प्रेस करता हूं और ये हमारा CGST वाला आइटम्स है। यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूं, इसको सेव करता हूं और अब आइए उसको देखते हैं कि उस यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CGST और IGST लगा करके यहाँ पे आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।